नमस्कार मेरे किसान भाइयों, फार्मिंग एसके में एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भाई गांव किरथल में, जयंत चौहान जी के पास। इनका गन्ना बहुत ही ज़बरदस्त और आला गन्ना खड़ा हुआ है, देख सकते हो आप सामने। इनका ये पेड्डी गन्ना है। चौहान साहब राम राम। राम राम। चौहान साहब, आप अपने पहले तो परिचय बताओ। मैं जयंत चौहान, सन ऑफ नरेशपाल सिंह, गांव किरथल। जिला आपका? जिला बागपत। जिला बागपत, ठीक है। तो चौहान साहब, ये जो आपका ये क्या, ये मतलब पेड्डी गन्ना खड़ा हुआ है? पौधा गन्ना। ये पौधा? ये हाँ पौधा गन्ना। ये देखो जी, ये पौधा गन्ना खड़ा हुआ है। पौधे गन्ने को देख सकते हो, मैं तो सोच रहा था पेड्डी गन्ना है। इतना जबरदस्त, इतना आला खड़ा हुआ है, कोई कीड़ा भी नहीं। तो चौहान साहब, इसमें एक बार आप अंदर चलो, आप आ जाओ। ये देखो जी भाई, ये पौधा गन्ना इतना मतलब पेड्डी भी फैल कर रखी हुआ पौधे गन्ने ने। आपका भाई जी खुश कर दिया देख के, बहुत ही आला गन्ना खड़ा हुआ है। तो चौहान साहब, इसने आपने क्या क्या मतलब, आप बुआई के समय से बताओ, बुआई किस तरह से करी आपने और क्या क्या चीज इसमें डाली? बुआई के टाइम भाई इसमें दो दड़ी भीगेगा, तो डीएपी और बायर की रिजेंट, और बुआई में इसमें फर्टेरा लगा था। अच्छा, फिर आपने कोर के टाइम पे क्या करा? कोर के टाइम पे इसमें कॉलिया का और लिक्विड रिजेंट का स्प्रे किया था और जिंक डाला था। अच्छा, जिंक डाला था। स्प्रे कितनी बार कर लिया आपने? इस पे भाई पांच होगी। पांच होगी, हाँ। किस किस चीज की? उसके बाद में फिर तीसरे पानी पे स्प्रे हुई इसकी, मैं कोराजन की। ये सीड कौन सा वो रखा आपने? ये वही है भाई, पुराना सॉलिड वैरायटी 0238। हाँ, जिसे बोल लेगी फैल हो गया। अच्छा भाई, लोग बाग तुम भी कह रहे हैं वेंटिलेटर पे आ गया 0238। देख लो आपको वेंटिलेटर। देखो जी, कह रहे जी ये पौधा गन्ना है भाई का। इसकी बुआई किस टाइम की रखी आपने? 15 मार्च। 15 मार्च की। देखो जी, 15 मार्च का पौधा गन्ना है और पेड्डी भी फैल कर रखी गन्ने ने। आप देख सकते हो कितना जबरदस्त हाइट ले रखी है गन्ने ने। मोटाई भी देखो गन्ने की, आप गन्ने भी बिल्कुल सॉलिड हैं, कोई वो नहीं। देखो कितने मोटे मोटे गन्ने हो रहे हैं लगभग। एक बार चौहान साहब, एक बार खड़े हो जाओ मेरे के पास, देखना आइडिया कम से कम कितने फुट की हाइट होगी। ये देखो जी, नीचे से लेकर दिखाता हूँ आपको मैं, कम से कम 12-13 फुट तो जा रहा होगा। नहीं, ये ज्यादा है, ज्यादा है ना। देखो जी, ज्यादा जा रहा। तो चौहान साहब, हमारे किसान भाइयों को एक बात और बताओ, कुछ और आपने इसमें कुछ ऐसा ट्रीट कराओ गन्ने को जिसके कारण ये कोई कीड़ा नहीं आया खेत में आपके? बुआई के टाइम पे कोई ट्रीट नहीं करा। दो बार तो इसमें सल्फर का प्रयोग किया, क्योंकि सल्फर ऑटोमेटिक फंगिसाइड होता है। अच्छा, और इसमें एक फंगस का स्प्रे किया क्लोरोसाइपर के साथ में, और एक बार फ्लोरान लगाया, और एक बार सागरी का जो ऑर्गेनिक फॉर्म में आती है। अच्छा, वो डाल लेते इसमें। किसान भाइयों, हम चौहान साहब के एक दूसरे प्लॉट पे आ गए। ये भी पौधा ही गन्ना है, लगता तो है नहीं भाई साहब पौधा गन्ना, कह दे कोई है तो या पेड्डी जैसी बिल्कुल। तो चौहान साहब, आपने इसमें क्या रखा और बताओ, इसका बताओ। बस वो बुआई में डीएपी रिजेंट और फर्टेरा, मतलब वही 3-4 स्प्रे पे भी। हाँ, वही 3-4। देखो जी, ये बार चलना, देखो जी कितनी, ये भी इसकी बुआई कितने इंच पर रखी आपने? 28 पे है भाई। ये भी मतलब 238 सीड है। हाँ, सब देखो जी, 238 सीड है और इतना जबरदस्त पौधा गन्ना खड़ा हुआ है। क्या पेड्डी भी मुकाबला करेगी इसका, पौधा गन्ना भी। देखो जी, गन्ने की मोटाई जैसा खाट के भाई नहीं होती, ऐसे हो रहे गंडे। ये सब जमीन का ही तो फर्क है, अब किसानों ने अपनी रासायनिक चीज डाल डाल के खेत खराब कर रखे। ना इसमें कोई रासायनिक चीज नहीं। देखो जी कितना बढ़िया और बेहतरीन सुंदर बिल्कुल प्लॉट खड़ा हुआ है कि हाँ भाई कुछ खड़ा ही करना। ये पौधा गन्ना है, नहीं तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पौधा गन्ना इतना जबरदस्त भी है किसी का। नहीं तो देखो जी, हाइट भी कम से कम 12-13-14 फुट तक हाइट जा रही है। अब तो खैर ये मार्च में जाकर, कभी फरवरी मार्च में जाकर छिलाई होगी, तब तक तो खूब बढ़िया हो जाएगा। ये देखो जी, एक बार चौहान साहब, एक बार मेड़े के पास, इसी के पास खड़े हो। देखो जी यार, मेल लगवा रखी भाई ना, दो दो तीन दिन मेड़ोगी लगाने रखी, अपने हाथ लगा रखी, खुद लगा रखी। अच्छा, खुद ही लगा रखी है। देखो जी, हाथ उठाने के बाद भी गन्ना आप देख सकते हो, ये पौधा गन्ना कितना जबरदस्त हाइट ले रहा है। ये देखो जी, आसमान छो रखा गन्ने को। तो भाई साहब, जो वैरायटी है उसका गन्ना बारीक है, बुढ़वार तो ज्यादा, मैं मान जाऊंगा कि 38 से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इतना वजन नहीं दे पाएगा। हाँ, उसका गन्ना थोड़ा बारीक है, इतना वजन नहीं दे पाएगा जितना 38 दे। 35 आपकी 35 के बारे में क्या राय है, मतलब बोओगे या फिर कैसे, क्या है कुछ विचार बताओ। तो कोई विचार है नहीं। अच्छा, और कोई गन्ना आपने 38 के अलावा लगाया नहीं? 38 के अलावा एक विचार जरूर है, 38 का ही जनरल कलेक्शन है 14201, उसका विचार जरूर है थोड़ा लगाने का। अच्छा, तो आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा ये बताओ चौहान साहब, जैसा मतलब बहुत हमारे किसान हैं जिनको पता नहीं कि गन्ने को ट्रीट कैसे किया जाए, या फिर
मतलब बीज का एक तरीके से शोधन जैसे कह देते हैं कि शोधन करके गन्ने को लगाएं। हाँ ये चीज मैं जिस भाई ने किया हमने तो नहीं किया है, लेकिन बहुत अच्छी विधि है। आधे से ऊपर का गन्ना वो, और उसको एक इफ्को की शिरासा के नाम से आती है, उसमें साल्ट है, इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल, उसका स्प्रे लगाओ आप कंची पे बुआई के टाइम पे, तो उसका रिजल्ट पूरा मिलेगा 100%। 3 महीने तक कोई रोग नहीं आएगा पौधे के अंदर, फिर उससे आप गन्ना बो सकते हो। उससे आप बो सकते हो और उसमें थोड़ा फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक तरीके से बीज का शोधन करना, बीज का शोधन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीमारी आज के टाइम पर ज्यादा आ रही है। और इसका मेन रीजन कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं तो मानता हूँ कि यहाँ पर वो हवा ज्यादा चल रही है, पछवा चलती नहीं, मेन रीजन है। अच्छा, तो ये भाइयों किसान भाइयों इतना अच्छा भाई ने बताया कि आप गन्ने का जो ऊपरी हिस्सा है उसको बो के 1 बीघा या 1.5 बीघा अपनी अपनी गुंजाइश के ऊपर, तो उसको ट्रीट करके सीरा सागी वाली दवाई से स्प्रे करके जमीन में एक तरीके से शोधन हो जाएगा, फिर उससे आप गन्ना बोगे तो इतना रोग नहीं आएगा गन्ने में। और एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए, भले ही देर से आए लेकिन आए जरूर। बहुत से चैनल है जो एक ही किसान के पास जाते है, उसका 35 दिखाओ 50 एकड़, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जाते उसी के पास है, उनको कोई बुलाता भी है तो आते नहीं है, जाते वो उसी के पास है, या तो ये बोलो कि हमने चैनल उसी के लिए खोल रखा है। अच्छा, ये भी बात है, ये भी बात है। नहीं तो खैर, किसान तो पूरे यूपी में है ना। नहीं भाई, हमारा तो थोड़ा है वो, है कि भाई एक आदमी के आप उस पे हो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ऐसी ऐसी नई नई किसानों से मिलाता रहूंगा आपको। तो भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फार्मिंग एसके मेरा चैनल है, और एक छोटी सी कुछ सेकंड ही लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में, और लाइक का बटन जरूर दबाया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों को, राम राम। किसान भाइयों, हम आ गए हैं आप चौहान साहब के 75 बोर्ड पे। तो चौहान साहब, आपने इसकी बुआई किस टाइम कर रखी? भाई इसकी बुआई है 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल की। एक बार इधर को आ जाओ, बाहर को अंदर को भी चलेंगे। अच्छा, 30 अप्रैल की आपने इसकी बुआई कर रखी, इसमें क्या क्या ट्रीट कर रखा आपने? इसमें बुआई के टाइम पे बाहर की रिजेंट और थोड़ा जिंक लगा था, इसमें डीएपी मिलने लगा, कोई फंगीसाइड नहीं लगा, कुछ फंगीसाइड। अच्छा, इसमें आपने स्प्रे कितनी बार कर दी? स्प्रे इसमें होगी भाई 4। 4 स्प्रे कर दी। ये देखो जी भाई का बोर्ड इतना, ये मतलब किस समय का बोया हुआ है? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल का। देखो जी 30 अप्रैल का बोया हुआ गन्ना, और कितना जबरदस्त, कोई कीड़ा नहीं खेत में, और बिल्कुल आलीशान दिख रहा गन्ना, पूरा देख सकते हो पीछे तक। अब देखो गन्ने की मोटाई, गन्ने की मोटाई भी देख सकते हो, गन्ने की मोटाई इतनी मोटी हो रही, जबरदस्त। तो चौहान भाई एक बार और ये बताओ कि इसमें मतलब कितनी एवरेज निकल जाएगी आपके अंदाजे? आप तो करते रहते हो खेती। इसकी हम एवरेज लगा रहे हैं ये 80 क्विंटल का बीघा तो निकल ही जाएगा। 80 क्विंटल कम से कम बीघा है, 7 बिस्से के ऊपर। अच्छा, 7 बिस्से के ऊपर बीघा आपका। चलना एक बार अंदर, अंदर से देखते हैं कैसी स्थिति है। ये देखो जी भाई साहब गन्ने की मोटाई देखो, गन्ने की मतलब पूरी भी बहुत लंबी लंबी है, और मोटाई भी बहुत जबरदस्त है। देखो गन्ने सारे बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए हैं, ये देखो लट जैसे गन्ने हो रहे। तो चौहान साहब एक बात और बताओ, आपने जैसा ये 0238 का सीड लगा रखा है, जैसे लोग कहते हैं कि भाई वेंटिलेटर पर आ गया, तो आपकी क्या राय है इस पर बोलने की? 0238 वेंटिलेटर पर नहीं है, ये यूपी में जहाँ भी गन्ना उगा जाता है 86% क्षेत्रफल पर 0238 हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ी बीमारी आ गई थी, थोड़ी हवा पर हवा ज्यादा चला है तो उसमें नरमाई आ गया, कीड़ा ज्यादा लग जा। अच्छा। अगर हम इसे ट्रीट करके बोए, हमने आज तक ट्रीट नहीं किया, अगले साल से हम भी ट्रीट करके बोएंगे तो इसमें रोग आएगा ही नहीं, सदाबहार वैरायटी है, कभी खत्म नहीं होगी। और इसके मुकाबले का कोई बीज अभी आया नहीं? इसके मुकाबले का कोई बीज नहीं है। और इसकी बुआई भी जो बोलते हैं कि मोटाई ट्रेंच का बो या ज्यादा चौड़ाई पर बो जब होता है, इसकी बुआई भी 24 इंची पे, और आप मोटाई देख सकते हैं इसकी 24 इंची पर बुआई है। अच्छा, 24 इंच पे बुआई कर रखी आपने? 24 इंच। ये देखो जी 24 इंच की बुआई पे गन्ना बो रखा, और कितना जबरदस्त गन्ना खड़ा हुआ है, मोटाई देखो गन्ने की, कितनी मोटे मोटे गन्ने हैं, मेरे हिसाब से लगभग ना निकले 2 किलो का एक गन्ना आसपास। इसमें मैंने कोई केमिकल का यूज जमीन पे नहीं किया है। अच्छा, मतलब किसी तरह कोई रासायनिक पदार्थ आपने डाला नहीं? पदार्थ नहीं डाला है, डीएपी ना बुआई के टाइम पे डाली ना बाद में डाली, यूरिया डाला है, और 3 बार सागरी का डाल लिया जो ऑर्गेनिक होती है। अच्छा, अपनी जमीन को ऑर्गेनिक दो, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ऊपर करो, जमीन में केमिकल डाल लो ही मत, उससे फिर जमीन का नुकसान बची रहेगी। जब तक जमीन बची रहेगी उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहेगी तो पौधे का विकास अपने आप ही करेगी। तो इस पे आपने 4 स्प्रे करी? 4 स्प्रे हुई। किस किस चीज की स्प्रे करी? पहली स्प्रे हुई कालिया लिक्विड रिजेंट, दूसरी कोरोजन,
तीसरी स्प्रे हुई इसमें क्लोरोसाइपर और फंगिसाइड की, अच्छा, और चौथी स्प्रे हुई इसमें प्रोफेनोफोस की। ठीक है, तो चौहान साहब आपके पास एक दुबर सी पिड्डी बताई थी आपने ना। हाँ, चलो आपकी दुबर सी पिड्डी पे चलते हैं हम। ठीक है।